सीधी भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह ने विंध्यभारत से बात करते हुए आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने संगठन को लेकर कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है और सबको साथ लेकर चलने का मेरा संकल्प है। इस दौरान भारतीय जनता युवा जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा भी मौजूद रहे और क्या कहा उन्होंने, देखिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। वहाँ एक बड़ी समस्या है, पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, आवागमन के लिए बहुत दिक्कतें हैं, बगल में बन रही है, तीन कारणों से दो साल से नहीं बन पाई। देखिए ये क्या है कि ये एक प्रक्रिया है, टेंडर होता है किसी भी निर्माण कार्य का, विभाग टेंडर करवाता है, कोई ठेकेदार सुस्त मिल गया तो अच्छा उसको भगा भी नहीं सकते इतना जल्दी, उसका एक टाइम लिमिट होता है कितने बनवाना है, उसका हो गया इतना समय, हम नहीं बनवाएगा टेंडर नहीं हो जाएगा। चर्चा थी आप अटल जी का जन्मदिन पहले पार्टी का माना जाता था, आपका इस बार जहाँ जानकारी मिली बूथ स्तर मनाया जा रहा है। क्या है कि पहले कार्यालय मनाया जाता था, इस बार हमको निर्देश मिला था भोपाल बूथ स्तर मनाना, तो जो हम लोग गाइडलाइन आती है वही करते हैं, हमारे पूरे बूथों मनाया गया है, बूथों मना लिया गया कार्यालय में समय नहीं मिला, तब कार्यकर्ता फैले थे कार्यालय मनाने की जरूरत नहीं थी, बूथ स्तर पर हो गया। अध्यक्ष बने इसलिए किसे आप मानते हैं कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली, इसलिए किसे मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का श्रेय उनके शीर्ष नेतृत्व सबका है, श्रेय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। चुनावी माहौल वर्ष में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है अध्यक्ष बतौर, भाजपा संगठन को मजबूती दिलाने, आम जनता तक सरकार को पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? प्रयास ये किया जाएगा कि सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट हो जाएँ, एकजुट हैं भी, और हम लोग जो भारतीय हमारी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं गांव तक पहुंच रही हैं जन जन तक, उसको हम लोग जाके हमारे बूथ स्तर कार्यकर्ता देखेंगे, देख रहे हैं पहुँच रही है कि थोड़ा बहुत कोई पात्र हितग्राही छूट रहा है, उसको हम लोग सारे सुविधा दिलवाएंगे। भाजपा संगठन में पिछले तीन वर्ष के अंदर देखा गया कि संगठन और खेमेबाजी पैदा थी, संगठन में अलग कुछ और खेमे भी थी, क्या उस खेमे की खाई को आप कैसे पाटेंगे? हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि खेमेबाजी थी कि नहीं थी, अब ऐसा था आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम तो हमारी भाजपा कार्यकर्ता में खेमे गुटबाजी रहती ही नहीं, हम सब एकजुट होकर काम करते हैं और ऐसा हमें नहीं दिखा चाहिए। सिहावल विधानसभा आपके लिए चुनौती रहती है? हाँ, सिहावल विधानसभा जीतेंगे, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? प्रयास करेंगे, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लग गए, हम पहला दौरा हमारे सिहावल विधानसभा में हुआ, हम शक्ति केंद्र से शक्ति केंद्र की बैठक मोर्चा अध्यक्ष जब से काम कर रहे हैं कोई शिकायतें तो मिल नहीं रही हैं, नए अध्यक्ष आपको अब मिल गए हैं, चुनावी वर्ष है, युवाओं को साथ लेकर क्या नई रणनीति बना रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यकर्ताओं का संगठन, इसमें परिवर्तन होना एक प्रक्रिया है, तीन साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद हमें नए अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री देव कुमार सिंह जी मिले हैं, जिनका लगभग भारतीय जनता पार्टी में 20 से 25 वर्ष का अनुभव है, वो मंडल के अध्यक्ष रहे, बूथ के अध्यक्ष रहे, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष रहे, जिले के उपाध्यक्ष रहे, कई बार जनप्रतिनिधि रहे और समाज में एक अच्छा प्रभाव, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन सीधी जिले के युवाओं को मजबूत करेगा और सीधी जिले की चारों विधानसभाओं में आगामी कार्यक्रम खेलेगा मध्य प्रदेश और खेलेगा कार्यक्रम के तहत हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में 10,000 से ज़्यादा युवाओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प हमने लिया है और उस पर हमारे पूरे युवा मोर्चा की टीम लगी है। इस चुरहट में एक झटका लगा है, भाजपा को ज़्यादा नुकसान हो सकती है राजन मिश्रा के शामिल होने से, क्या मानते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिस तरह से वहाँ आज चार साल में विकास की गंगा उस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के महामंत्री माननीय शरदेन्द्र तिवारी जी ने बहाई है, चाहे वो CM राइस स्कूल रही हो, चाहे कई 115 पंचायत में लगभग ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे सड़कों का जाल न बिछा हो, चाहे वो बाईपास रहा हो, चाहे टनल रहा हो,
चाहे रामपुर में 100 बेड की अस्पताल रही हो, चाहे खैरा में सोन की पुल रही हो, तो विकास की बात, तो ये विकास कार्य निश्चित रूप से विकास की बात है। राजन मिश्रा के आने से क्या लगता है कि भाजपा को नुकसान होगा कांग्रेस को? जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है, यहाँ ये एक सतत प्रक्रिया है। हमारा उद्देश्य राजनीति में क्या है ये तो मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुरहट विधानसभा सीधी जिले में सबसे मजबूत है और आगामी 2023 में इसका परिणाम आप सभी को दिखेगा।